जो लेक्चर विल बी स्टार्टिंग द लिमिटेशंस जो हमने अभी कार्टल पहले कवर किया है. इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो गो वॉच इट बिकॉज दैट बिकम्स द बेसिस फॉर दिस वीडियो कि हम उसकी लिमिटेशंस बताएं. सो लिमिटेशन जो है इट सेज दैट कि इन प्रैक्टिस जो कार्टल है वो रेयरली मैक्सिमाइज करता है अपना जॉइंट प्रॉफिट एंड हेंस इसकी कुछ रीजंस हैं कि वो एक्सप्लेन करता है कि व्हाई इंडस्ट्री प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज नहीं होता अगर डायरेक्ट कार्टल कोल्यूजन होता है तो. सो फर्स्ट रीजन ये है कि मिस्टेक्स हो जाती है इन एस्टिमेशन ऑफ मार्केट डिमांड. कार्टल जो एक सेंट्रल एजेंसी अपॉइंट करता है उस जब वो अपॉइंट करता है तो उसकी एस्टिमेशंस में कि मार्केट की डिमांड कितनी होगी उसकी एस्टिमेशंस में गलतियां निकल आती हैं. सेकंड मिस्टेक्स निकलती हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कि मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी उसकी एस्टिमेशंस में भी मिस्टेक निकलती हैं. थर्ड सेज दैट कि स्लो प्रोसेस होता है सेंट्रल नेगोसिएशन के साथ. फर्म्स जो हैं वो सेंट्रल एजेंसी के साथ जो नेगोसिएशन करती है उसका जो है स्लो प्रोसेस होता है तो इट टेक्स टाइम बहुत लंबा टाइम लगता है नेगोसिएशन के अंदर ड्यू टू विच जो डिफरेंस है साइज कॉस्ट एक्सेट्रा में वो पॉसिबल नहीं हो पाता. जो एक एजेंसी को जल्दी डिसीजन लेना चाहिए कार्टल के केस में थोड़ा स्लो प्रोसेस रहता है. अगर फर्म्स को सोचो खुद से डिसीजन लेना हो वो किसी सेंट्रल एजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो वो काम फटाफट होगा ना. बट सेंट्रल एजेंसी अपॉइंटेड है एक कार्टल के केस में तो जिसकी वजह से प्रोसेस जो है नेगोसिएशन का दैट इज़ वेरी स्लो. सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट बाय द टाइम अग्रीमेंट एक रीच हो मार्केट कंडीशन जो है मे हैव चेंज कि मार्केट कंडीशन जो है वो चेंज हो जाए. सो यही है कि इट इज़ पॉसिबल ये पॉसिबिलिटी है दैट बाय द टाइम अग्रीमेंट रीच हो एक अग्रीमेंट पे किसी एक पॉइंट पर वो पहुँचे कोई एक जजमेंट पर पहुँचे इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एक टाइम अग्रीमेंट अगर रीच हो दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग हो जाता है कि एक इतना लंबा प्रोसेस लग रहा है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है. फोर्थ सेज दैट कि जो रिजिडिटी है ऑफ नेगोशिएटेड प्राइस के अंदर जो रिजिडिटी है रिजिडिटी नेगोशिएटेड प्राइस के अंदर विच मीन्स वन अग्रीमेंट अबाउट प्राइज इज रीच जिसके अंदर एक अग्रीमेंट अबाउट प्राइज इज रीच इट टेंड्स टू रिमेन रिजिड नेगोशिएशन रहता है कि एक फर्म और दो फर्म उनकी शायद सलाह में डिफरेंस हो. और ये भी हमने पढ़ा था कार्टल के अंदर कि कई सारी फर्म कल्यूड करती हैं जिनके अलग अलग कॉस्ट फंक्शंस होते हैं तो जिसकी वजह से थोड़ा नेगोशिएशंस में तो प्रॉब्लम आती है कि सेंट्रल एजेंसी किसकी बात माने एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. नेगोशिएटेड प्राइस के ऊपर एक रिजिडिटी रहती है अगर सपोज किया जाए बैक एंड में प्राइस बढ़ गए किसी चीज़ के या मशीनरी ख़राब हो गई किसी फर्म की तो वो प्राइस रिकवरी के लिए एक रिजिडिटी की वजह से वो वापस भी तो देखेंगे कि हमने अगर इतने का सामान बनाया इन केस हमारी बैक एंड में कॉस्ट ज़्यादा लग गई या कुछ सप्लाई जो प्रोडक्ट पिछला जो सप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल का उसमें इन केस किसी भी रीज़न की वजह से वो कॉस्ट बढ़ गई तो बट रिजिडिटी रहती है प्राइस में तो फिर प्राइस रिकवरी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उस केस में. एंड फिफ्थ सेज दैट कि देर इज ब्लफिंग एटीट्यूड ऑफ सम मेंबर्स. ब्लफिंग एटीट्यूड रहता है ड्यूरिंग बार्गेनिंग प्रोसेस. बार्गेनिंग प्रोसेस में दे ट्राई टू ब्लफ. सिक्स्थ इज कि देर द एग्जिस्टेंस ऑफ हाई कॉस्ट फर्म. कुछ हाई कॉस्ट फर्म होती है इम्प्लाइज दैट इफ फर्म इज ऑपरेटिंग विद हाई कॉस्ट अगर कोई एक फर्म ऑपरेट कर रही है ज़्यादा कॉस्ट पे देन देर विल बी नो प्रोडक्शन बाय द फर्म तो उस केस में फर्म जो है कुछ प्रोडक्शन नहीं करेगी. बट इन सच केस फर्म विल नॉट ज्वाइन और उस केस में वो कार्टल भी नहीं ज्वाइन करेगी. जब जैसे कुछ बहुत सारी फर्म्स होती हैं वो कल्यूड करती हैं कार्टल बनाती हैं बट उसमें कुछ ऐसी फर्म्स जिनके अंदर जिनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी हाई है और अगर कार्टल बोले कि आपको इस रिजिड प्राइस पे सप्लाई करना है जब वो उस कॉस्ट को उस प्राइस पे कवर नहीं करेंगी तो उस केस में वो प्रोडक्शन ही नहीं करेंगी और वो जब प्रोडक्शन नहीं करेंगी एज अ फर्म दे विल नॉट ज्वाइन द कार्टल ऑल्सो. सेवेंथ इज दैट कि देयर कुड बी फियर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन और
सरकार की पूरी फेयर रहती है, एक सेंट्रल एजेंसी है, गवर्नमेंट उससे पूरा लेखा जोखा ले सकती है उस सेंट्रल एजेंसी से, कि वो ऐसे मोनोपोली प्राइस ना चार्ज करे जिसकी वजह से बायर्स एक्सप्लॉइट ना हो। तो उस फियर की वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी, फियर रहती है गवर्नमेंट इंटरवेंशन की, बिकॉज मोनोपोली प्राइस इज हाई एंड जनरली गवर्नमेंट रेगुलेट, और गवर्नमेंट उस प्राइस को रेगुलेट करती है। तो ऐसे बिजनेस में जिसमें इतनी रेगुलेशंस हों कार्टेल में, थोड़ा सा ये चीज़ें डिफिकल्टी कर देती हैं बिजनेस के प्रोसेस में। सो दैट इज़ द लिमिटेशन जो कि कार्टल में है। एट सेज दैट कि टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ द न्यू फर्म, अगर न्यू फर्म की एंट्री को प्रिवेंट करना है तो सेंट्रल एजेंसी डू नॉट मैक्सिमाइज जॉइंट इंडस्ट्री प्रॉफिट। वो सेंट्रल एजेंसी जो है वो मैक्सिमाइज नहीं करती जॉइंट इंडस्ट्री का प्रॉफिट। वो जाती है और फर्म्स आए, दे ट्राई टू मेक इट, मतलब कोल्यूसिव फर्म थोड़ी और बड़ी बने, तो वो आने देते हैं, जिसकी वजह से वो दिखाते भी नहीं कि जॉइंट प्रॉफिट इतना मैक्सिमम है, दे रेट टू रेट पे थोड़ा चलते हैं। सो दैट इज़ हमारा कार्टेल की लिमिटेशंस। नेक्स्ट टॉपिक आई विल बी कवरिंग, वो भी मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही होगा। सो या स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक्स फॉर